लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नई की जर्जर इमारतों का पुनर्विकास का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। रीडेवलपमेंट के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किस तरह के टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं और उसमें जो फ्लैट ओनर्स या जो इमारतों में रहने वाले लोग हैं वो रीडेवलपमेंट के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं, इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे साहब। आप नई मुंबई महानगर पालिका की जो पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं, जो धोरण है उसके ऊपर लंबे समय से नज़र रख रहे हैं, आप जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है उसकी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है टीवी वन इंडिया में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज नई मुंबई में जर्जर इमारतों का मामला चल रहा है, काफ़ी विकट परिस्थितियाँ इसको लेकर पैदा हुई हैं, लेकिन अब इस तरह की शुरुआत हो गई है कि अब जर्जर इमारतें भी पुनर्निर्मित होंगी, उनका रीडेवलपमेंट होगा, आप इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी समस्या है और किस तरह से उसे हैंडल किया जाना चाहिए? पुनर्विकास ये होना चाहिए और ये पुनर्विकास इसकी शुरुआत जीआर की 2015 फरवरी में हो गई थी। लोगों को अभी समझना पड़ेगा जब वो पुनर्विकास के लिए जा रहे हैं। अभी महानगर पालिका ने 5 कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू किए हुए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगा के स्टडी कर लिए और आदरणीय आयुक्त महोदय को भी मैंने उसके बारे में डिटेल बताया हुआ है कि वो जो रीडेवलपमेंट के लिए जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दे दिए वो जिसके बेस के ऊपर वो डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी सारी त्रुटियां हैं और वो त्रुटियां खामियां जो भी है उसको आप जब तक पूरा नहीं करते तब तक जिनका घर पुनर्विकास में जा रहा है उनको हो सकता है पोजेशन के वक्त तकलीफ हो जाए। तो इसका बहुत सारा चीज़ें जो है वो निकल के आ रही है, ये मैं मानता हूँ। पिछले 20-25 साल से एक आस लेके बैठे हुए कि हमारा बिल्डिंग आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, परसों शुरू होगा। हाँ। तो इसके वजह से मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स स्टडी के लिए मैं लिया हूँ उसके अंदर लैक्यूना है, अभी उसके अंदर क्या हुआ है ये मैं थोड़ा बताता हूँ और क्या करना है, क्या करना चाहिए ताकि किसी का घर उसका हक का स्क्वायर फुट ना छूटे, इसके लिए उन्होंने काम करना चाहिए। अभी जो डॉक्यूमेंट्स आ गए उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे 2.5 FSI के ऊपर 2015-16 के करीब एग्रीमेंट थे या 2017 के करीब एग्रीमेंट थे, तो 2.5 FSI जो एग्रीमेंट करके ले लिया है वो 2.5 होना नहीं चाहिए। अभी के रूल के हिसाब से 3 FSI प्लस एंसिलरी FSI और प्रीमियम FSI होना चाहिए। अब ये सारी चीजें सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सोसाइटी हो या कंडोमिनियम हो, एसोसिएशन हो, उसके आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए। अभी आखिरी आदमी तक पहुंचेगा कैसा, तो इसके लिए जो शासन के नियम है जो 4 जुलाई 2019 को लागू हो गए MCIS एक्ट के अंदर, वहां से उसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत के बाद आगे ये चीजें चलती है, वो मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले पुनर्विकास का प्रक्रिया कहां से शुरू हो जाता है, 3 कंपार्टमेंट में हम लोग इसको अगर देखेंगे तो सबसे पहला कंपार्टमेंट होता है कि जो एसोसिएशन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो आपका कंडोमिनियम है, उसका हर एक मेंबर ने यह समझ के लेना चाहिए कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं। अब पुनर्विकास की प्रक्रिया के नियमावली जो है वो 2 दिसंबर 2020 को लागू की गई है, तो 2 दिसंबर 2020 के बाद जो भी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होगा, जो भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होगा, वो 2 दिसंबर 2020 के नियम के बाद होगा। तो 2 दिसंबर 2020 का नियम के हिसाब से हर एक शख्स का 3 FSI प्रीमियम FSI प्लस एंसिलरी FSI के ऊपर हक है, ना कि 2.5 के ऊपर हक है। ये बात क्रमांक एक बड़ी मोटी मोटी ध्यान में रखनी चाहिए। अब आगे चल के आप अगर देखेंगे तो अब सब मिलके उन्होंने निर्णय लेना है कि हमको रीडेवलपमेंट के लिए जाना है। अब 100 के 100 एक दिन उठ के चलते नहीं है कि भाई हमको रीडेवलपमेंट करना है। करके गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी
100 अगर मेंबर रहेंगे तो उसके 20 मेंबरों ने कमिटी के पास एप्लीकेशन देना है कि हमारी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, ये रिपेयर के जैसे हमको लग नहीं रही है या रिपेयर करने में हमको रुचि नहीं है, नहीं, हाँ, काफी खर्चा है, तो इसके लिए हमको पुनर्विकास के लिए जाना है। ऐसे सोसाइटी के 100 में से 20 लोगों का जब एप्लीकेशन कमिटी के पास आ जाए तो कमिटी का काम होता है कि उन्होंने वो एप्लीकेशन को बेस रखते हुए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी होती है। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में सिर्फ वही मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं पुनर्विकास के प्रक्रिया में जो वो घर के सिडकों के रिकॉर्ड में मालिक है। ओके। कई जगह मैंने पेपर ऐसा देखा हुआ है कि ससुर गांव में बैठा हुआ है, दामाद मीटिंग अटेंड कर रहा है, बेटा ने बाप को बोला आप नीचे मत आओ, मैं नीचे जाके बात करूंगा, जो करना है वो आप बीच में नहीं आने का। इस तरीके का कुछ सोसाइटी में एग्रीमेंट हो चुके हैं। यस। और इसका सारा वेरिफिकेशन होना चाहिए जो वेरिफिकेशन आज तक हुआ नहीं है, इसके वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो गया। अब एजीएम में जब आएंगे तब सर्कुलर निकालने के बाद 14 दिन का जो गैप रहता है उसके बीच में कमिटी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सलाहकार के रूप में उन्होंने उसका प्रक्रिया शुरू करना चाहिए और टेंडर बुलाने चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के टेंडर आने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है कि वो एक ऐसा शख्स होता है कि जो टेक्निकली साउंड होता है, जो बिल्डिंग का पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितना स्क्वायर फुट का बिल्डिंग होगा, उसकी बैलेंस शीट का क्या होगा, ये पूरा प्रक्रिया जानने वाला होता है। प्लस उसके साथ उसके टीम में लीगल एक्सपर्ट होते हैं, उसके पास आर्किटेक्ट होते हैं, उसके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं और उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अब ये हर एक आदमी का अलग अलग काम रहता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजीएम में लगने के बाद 3 प्रपोजल उन्होंने एजीएम में पास करके लेने चाहिए कि जिसके लिए सदस्यों ने मान्यता देनी चाहिए, 51% सदस्यों की मान्यता चाहिए। अब 51% कौन सा, तो 100 का 51 अटेंड जितना किया है उनके 51% नहीं। वापस मैं कहता हूं 100 का 51, 100 मेंबर होंगे तो समझो अगर 70 आ गए तो 36 नहीं होगा, 70 आए होंगे तो भी 51 लगेगा, 55 आए होंगे तो भी 51 लगेगा और 100 आए होंगे तो भी 51 रहेगा, उनकी मान्यता होनी ही चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हाँ हमको पुनर्विकास करना है, ये पहला प्रस्ताव होगा और उसको सूचित अनुमोदक और सहमति का होगा। और नॉर्मली अगर अच्छी तरीके से आप करोगे तो 100 में से 95 लोग हर एक सोसाइटी में नए घर के प्रतीक्षा में है और आपको हाँ कहते ही है। दूसरा प्रस्ताव होगा बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना। क्यों, क्योंकि नियम के हिसाब से जो सिडकों ने या प्राइवेट बिल्डिंग है उनको या तो 30 साल हो गए होना चाहिए, अगर 30 साल के पहले हो गए तो वो डायपिडेटेड होनी चाहिए, यानी रहने के लिए धोखादायक होनी चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट हो जाता है, जो रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है। और तीसरा होता है कि पीएमसी का जो भी होमवर्क पीएमसी के बारे में कमिटी में किया होता है वो सारे प्रस्ताव एजीएम के सामने रखे जाते हैं और एजीएम उस बारे में निर्णय भूमिका लेती है कि हमको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लगता है। ये आपका पहला फेज वहां पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आगे का काम शुरू होता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो अभी सीसी दी गई है उसके अंदर ये कंप्लीट हुआ है ऐसा मैं मुझे एक भी डॉक्यूमेंट दिखा नहीं, क्योंकि उसके मिनट्स बनते हैं, उसको प्रपोजल बनते हैं, उनके टेंडर आ जाते हैं, उसका कई भी डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होता है, वो देखा नहीं मैंने। तो उसके लिए मैं फॉलोअप कर रहा हूं ताकि वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। यस। अब इसका आगे का पार्ट ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट उस प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसका मतलब ये हो गया कि वो टोटल जो प्रोजेक्ट है उसका प्लॉट का एरिया कितना है, उसके ऊपर एफएसआई के हिसाब से यानी 2 दिसंबर 2020 के यूडीसीपीआर के नियमावली के हिसाब से वहां पे बिल्डिंग कितनी स्क्वायर फुट की बन सकती है, उसके लिए टोटल खर्चा कितना लगेगा, सिडकों में कितने पैसे भरने लगेंगे और आपको एनएमएमसी में नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने पैसे भरने पड़ेंगे, उनके ओवरहेड्स क्या है, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन करके कितना स्क्वायर फुट कितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ सकता है और उसके अंदर से नियम के हिसाब से अगर एक आदमी को 300 फुट देना है तो गवर्नमेंट कहता है कि मिनिमम 300 फुट दो,
ये दूसरी बात हर एक सदस्य ने अपने दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि 300 ही फुट देना चाहिए, 300 एक फुट नहीं दे सकते। 300 के ऊपर जो बिल्डर आए वो बिल्डर 300 से ज्यादा भी दे सकता है या 300, लेकिन मिनिमम 300 उससे देना ही चाहिए, ये नियम है। तो कई जगह पे ऐसा हो जाता है बिल्डर बोलता है नियम के हिसाब से आपको 300 मिलेगा, अब जिसका घर 150 है बोलता है मुझे डबल घर मिल गया करके ले जाता है, लेकिन 300 मिनिमम, 300 के ऊपर मांगना, ये मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ये भाषा समझ लो कि आपने मांगना क्या है। वो आपका हक है कि जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद फिर एसडीएम बुलाई जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में लोगों को सूचित किया जाता है कि हमारे पास ये आ गए। उस मीटिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट खुद आके बैठता है और वो उनको सबको ब्रीफ करता है, उसके अंदर किसी को डाउट है क्या है वो सब बता देता है, और लोगों को कहा जाता है कि घर के नए आने वाले घर के लिए आपकी अपेक्षाएं क्या है वो अगले 15 दिन में आप लिखित रूप में आप सबमिट, आपका स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कर दीजिए। वो स्टेटमेंट लिखित रूप में दे देते हैं, कोई कहता है हमको 325 फुट चाहिए, कोई कहता है 350 फुट चाहिए, कोई कहता है हमको पार्किंग चाहिए, कोई कहता है हमको सामान शिफ्टिंग का पैसा चाहिए, फिर रेंट वो इश्यू रहता है, ये हर एक चीजें अपने अपना मेंबर अपने अपने इच्छा से दे देता है। अब वो सारा पेपर लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कमिटी बैठती है, और कमिटी ने बैठने के बाद उसका एक शॉर्टलिस्ट बनाना होता है कि ये हम लोग को डालना पड़ेगा, ये कंसीडर करना पड़ेगा, और वो कंसीडर होने के बाद फिर आपका टेंडर डॉक्यूमेंट आ जाता है। अच्छा, ओके। जो बिल्डरों को इनवाइट किया जाता है वो टेंडर डॉक्यूमेंट है, वो 3 बड़े न्यूज़पेपर में। कई बार ऐसे हो जाते हैं छोटे न्यूज़पेपर होते हैं जिनकी 2000-3000 प्रतियां छाप जाती है, उसके अंदर डाला जाता है खाना पूर्ति के लिए, और वो तीन हजार जो रहते हैं वो सारे पेपर एक ही आदमी खुद खरीद लेता है, और जब दिखाना होता है कहीं भी मैटर हो गई, लीगल मैटर हो गई, तो साहब हमने 3 पेपर में दे दिया। मेहरबानी करके बड़े पेपर में वो एडवर्टाइज डालने के लिए आप इंसिस्ट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा, और उसकी एक कॉपी टेंडर की ये सोसाइटी के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगाना है, ताकि बिल्डिंग में रहने वाले कोई भी सोसाइटी वालों का अगर कोई बिल्डर पहचान का होगा या कुछ होगा तो वो उनको बता सके कि भाई हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है, अगर आप करेंगे तो हम आपको जानते हैं, तो आप ठीक है कर लीजिए। तो वो बिल्डर अगर इंटरेस्टेड होगा तो जाके एक टेंडर कॉपी लेके अपना टेंडर भरेगा। उनका स्टिप्यूलेटेड टाइम दिया हुआ रहता है कि कितने टाइम में बिल्डरों को ये जाके आपको प्रपोजल देना होता है, वो प्रपोजल सील्ड इन्वॉल्व में दिया हुआ वक्त में उन्होंने कमिटी को देना होता है, और वो कमिटी सील्ड इन्वॉल्व वैसे ही रख देती है, और फिर जिस दिन वो टेंडर का टाइम खत्म हो जाएगा उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या जैसा कमिटी समझे संडे को रखे, उस दिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कमिटी और अगर कोई 2-4 मेंबर अगर पार्टिसिपेट हो प्रक्रिया में होना चाहते हैं तो उनको इनवाइट कर ले, ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे कि कमिटी क्या कर रही है आखिरी सदस्य तक समझना चाहिए। अगर उनको लगता है कि जनरल बॉडी बुला लो उनके सामने खोल दो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उद्देश्य ये है कि प्रपोजल कौन से बिल्डर के आए हैं और क्या क्या प्रपोजल आए हुए हैं ये इमारत के वो सोसाइटी के हर एक सदस्य को मालूम होनी चाहिए। वो होने के बाद फिर उसके बाद उनको एनालिसिस हो जाता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस हो जाता है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का सब सीए है वो उसको एनालिसिस करता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का, हर एक कंपनी का फाइनेंशियल असेट्स कितना है, इसका नेटवर्थ कितना है, इसकी लायबिलिटी कितनी है, ये सारा डिफाइन करके ले लेता है। जो उनके साथ लीगल कंसल्टेंट रहता है वो बिल्डरों के जहां कहीं इंडिया में लिटिगेशन चल रहे हैं वो लिटिगेशन का सर्च ले लेता है, लिटिगेशन अगर होगा तो किस प्रकार का लिटिगेशन चल रहा है, उसका किसने किसका ऊपर किस सेक्शन में केस डाला हुआ है, तो वो हिसाब से एक जो डेवलपर होता है तो उसके एक हिस्ट्री निकाली जाती है। अब इसमें मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। एक जगह ऐसी बातें चल रही थी तो समझिए 10 करोड़ के 2 प्रपोजल आए थे, एक 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, 10 करोड़ वैल्यू के एक अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ, 2 प्रोजेक्ट आए हुए थे। Yes. अब एक जो उसमें जो इंसान था वो अकेला था, उसका फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी 8 करोड़ का था, और दूसरे 5 पार्टनर थे और उनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी 10 करोड़ की थी, यानी नेटवर्थ। तो फिर किसको चुने, दिखने को सुनने को 10 करोड़ बड़ा लगता है, 8 करोड़ छोटा लगता है,
तब जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कमेटी को एडवाइस किया आप 8 करोड़ वाले के साथ जाइए, क्योंकि वो अकेला आदमी 8 करोड़ के बराबर है। यहाँ 5 आदमी लोग मिलके 10 करोड़ कर रहे हैं। कल को ये प्रोजेक्ट होने के बाद ये 5 लोग कंपनी बनाएंगे, कंपनी डिसॉल्व करेंगे, फिर आपको किसके पास जाना है वो समझेंगे नहीं। ये छोटी छोटी बातें होती है कि बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद हमको गिरेबान की अगर कुछ गलती हो गई है तो गिरेबान पकड़ के लिए आदमी कौन है। तो इसके वजह से कंपनी बिल्डर जो भी है वो प्रॉपर एडवाइजर एक्सपर्ट के पास से लेके होना चाहिए, फिर उसके रैंकिंग होती है। तो समझो 10 लोगों ने आपको प्रपोजल दिया होगा एक प्रोजेक्ट के लिए, तो कमिटी बोल सकती है कि भाई ये 10 में से 4 आदमी लोग तो ठीक ही नहीं है, वो वर्थ है ही नहीं कि जो प्रोजेक्ट बना सके। उसके अंदर 2 लोगों का कुछ और इश्यू होगा, लायबिलिटी ज्यादा होगी या उनका कहीं फिलहाल प्रोजेक्ट नहीं चलता होगा, तो वो दो बिल्डर भी निकल जाएंगे। क्योंकि गाइडलाइन में क्लियर कट दिया हुआ है कि बिल्डर किस हिसाब से होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% बैंक गारंटी देने के कैपेबल होना चाहिए जो उसने देना चाहिए। यस सर, उसका करंट महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। और सोसाइटी के सदस्यों को मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जो भी ये 4-5 आप फाइनल करेंगे उनकी जहां जहां साइट चल रही है वहां बिल्डर को बताइए कि हमको आपकी साइट देखनी है, जाके साइट देख के उसके मिनट्स बनाइए कि आपने क्या देखा, हो सकता है तो फोटो निकालिए और रिकॉर्ड बना के रखिए। क्यों 100 आदमी लोग आपके भरोसे अपना घर की चाबी देने वाले रीडेवलपमेंट के लिए। यूडीसीपीआर में थोड़ा इश्यू हो गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर सोसाइटी होगी तो 70%, लेकिन जो रूल कहता है वो 51%। तो वो मैंने ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास वो इश्यू ले लिया है, बांगर साहब को भी नेक्स्ट वीक में इन्फॉर्म बता रहा हूँ ताकि वो गवर्नमेंट से क्लेरिफिकेशन ले ले। लेकिन वो जो मीटिंग होती है जिसके अंदर चारों बिल्डरों को बुलाया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बुलाया जाता है, पूरी कमिटी रहती है और सारे सदस्य जो रिकॉर्ड पे ओनर है, मैं वापस कहता हूँ रिकॉर्ड पे जो ओनर है वो वहां पे रहते हैं और वो सारा का सारा प्रोसीडिंग्स होता है मीटिंग का वो इन कैमरा रिकॉर्ड किया जाता है। और मैं कॉर्पोरेशन को इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी सीसी देने के पहले उनके पास होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही और मुझे लगता है कि आप अधिकांश लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि कितना टेक्निकल विषय है, और इसीलिए हमने आज की ये बातचीत जो है इसीलिए रखी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी मिल जाए। फिलहाल जो 5 इमारतों को जो रीडेवलपमेंट के लिए मिला है, वासी की तमाम इमारतें हैं जो JN2 JN1 में हैं, आपने भी सुना होगा श्रद्धा और एकता सोसाइटियों का ऑलरेडी रीडेवलपमेंट चल रहा है, उसकी बड़ी शिकायत भी हो रही है कि उसमें प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया, तमाम ऐसे टीनेंट्स हैं जिनके सिग्नेचर नहीं है एग्रीमेंट में, रूल इसका जो UDCPR का आया हुआ है 2020 में आया हुआ है लेकिन एग्रीमेंट 2013 का उसमें दिखाया गया। क्या वाकई श्रद्धा और एकता और जो दूसरी सोसाइटियां हैं उनका प्रोसीजर ठीक से रीडेवलपमेंट का फॉलो किया गया है? ये मैंने न्यूज़ देखी थी और जो सोसाइटी का नाम तो मुझे याद नहीं है, वो महिलाओं का आक्रोश भी मैंने देखा था कि हमने इतने साल मेहनत करने के बाद आज अगर हम लोग रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो जो आदमी लोग नहीं आते वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्यों रोकना चाहते हैं। मैं उन माँ बहनों का मैंने जो आक्रोश देखा ना, मुझे दिल में बहुत पीड़ा हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन मेरी माँ मेरे सामने आंख में आंसू लेके खड़ी है। सबसे पहले आप लोग पैनिक मत होइए, ये मैं आपको कहता हूँ, आपका घर आपका हक मिलने के लिए मेरे जैसे आपके कई भाई खड़े हैं, काम करेंगे, आपका घर होगा, रीडेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा। जो पेपर गए हैं मैं आपको विनंती करता हूं सबको कि हर एक मेंबर ने अपने अपने बिल्डर को कहना चाहिए कि हमारे जो पेपर आपने कमेंसमेंट सर्टिफिकेट से ले लिए वो आप हमको हर एक की कॉपी दे दो। नंबर एक, वो आप कॉपी मांग लो, बैठो, चाहिए थोड़ा पैसा चला जाएगा लेकिन एक्सपर्ट आदमी को बुला के उनको वो पेपर बताइए। जो नया रेगुलेशन UDCPR आया हुआ है उसमें जो दिया हुआ FSI है, क्या वो पूरा FSI का CC मिला है हमको? अगर नहीं मिला है तो हमारा पूरा FSI का CC कहाँ गया और कब मिलेगा? दूसरी बात, पूरा FSI का ड्राइंग हमको कोई बना के दे दे तो ऐसे आर्किटेक्ट को थोड़ा सा पैसा खर्चा करके ले लीजिए, उसके बाद फिर बिल्डर को बोल दीजिए कि भाई हमारा नया रूल के हिसाब से नया CC ले लो और नया एग्रीमेंट बना लो, हमको बिल्डर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा या रीडेवलपमेंट के बारे में ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये रास्ता हो सकता है। दूसरी बात, जिन्होंने भी घर खाली किया हुआ है वो हर एक इंसान का बिल्डर के एसोसिएशन का, उनके सबसे पहले तो उनके एसोसिएशन का और बिल्डर का जो एग्रीमेंट हो गया डेवलपमेंट एग्रीमेंट,
क्या वो चेक कर लीजिए, क्या उसकी स्टैम्प ड्यूटी भरी गई है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो चेक कर लीजिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं, उसके कोताही मत कीजिए। हर एक इंसान ने अपने घर का और बिल्डर का रीडेवलपमेंट, कितना स्क्वायर फुट का फ्लैट, उसका ड्राइंग, और अभी अगर सीसी मिली है तो लॉटरी सिस्टम होगा या आपका सोसाइटी ने जो भी डिसीजन लिया होगा तो उसमें जो फ्लैट है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के ड्राइंग के ऊपर का वो फ्लैट नंबर डाल के उसका एग्रीमेंट प्रॉपर बना के ले लीजिए लीगल एक्सपर्ट से और कहिए भैया बिल्डर तू चल और मुझे एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके मेरे हाथ में दे। इतना काम आप कृपा करके कर लीजिए। जो आपको ऑब्जर्वेशन दिखा उसमें लग रहा है आपको कि क्या वाकई सही तरीके से रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है? मेरे ख्याल से ये टोटल मैनिपुलेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट में एरर है। अगर लिटिगेशन में चला जाएगा तो जो बिल्डर का होगा वो अपनी जगह पे, सदस्यों को किसी का भी फ्लैट कहीं नहीं जा रहा है, हर एक को फ्लैट प्रॉपर स्क्वायर फुट के साथ में ही उसके हाथ में मिलेगा। लेकिन एनएमएमसी ने जो कोताही की हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिश्नर साहब को, जो जो अधिकारियों ने वहां पे डॉक्यूमेंट पे साइन किया है कृपा करके उनका रिटर्न स्टेटमेंट ले लीजिए कि ये पूरा सिस्टम के लिए जो जिम्मेदार है उनका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसके लिए पूरी कॉर्पोरेशन का नाम कल को खराब नहीं होना चाहिए कि नवी मुंबई कॉर्पोरेशन यानी भ्रष्टाचार, इस तरीके का पिक्चर हमको महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। हमको एक दो तीन अधिकारियों के वजह से हमारे सर के ऊपर करप्ट का पट्टा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हर एक ऑफिसर का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट दे दिए हैं उनको सेल्फ अटेस्टेशन किया नहीं है, दुनिया भर की जेरोक्सेस वहां पे रख दी है। अब वो जेरोक्सेस को ना हेड है ना टेल है, तो मैं इसीलिए कहता हूं सदस्यों ने अपने कमिटी को बोलना चाहिए कि सीसी के टाइम हमारे नाम की जो भी फाइल वहां पे रेडी है उसकी सारी जेरोक्स की एक प्रत अटेस्ट करके हमारे पास भी होनी चाहिए, जिसके नीचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टैम्प और दो अधिकारियों का सिग्नेचर होना चाहिए। वो दो अधिकारी कौन होंगे? टाउन प्लानिंग के आरटीआई अधिकारी, जूनियर इंजीनियर और डेप्यूटी इंजीनियर, इनके सिग्नेचर होने चाहिए। और मेहरबानी करके ये सारे डॉक्यूमेंट कमिटी ने अपने कस्टडी में रिकॉर्ड में रखना चाहिए। एक चीज जो सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है वो दस्तावेजों की छानबीन नहीं कर रहे, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि हेड एंड टेल नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अब तक सीसी दी गई है उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां हैं और इन खामियों का असर कहीं ना कहीं टेनेंट या फ्लैट ओनर को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। इसका समाधान क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, इसका समाधान एक ही है कि हर एक सोसाइटी ने अपने डॉक्यूमेंट जो सीसी के साथ दे दिए है वो हर एक कमिटी ने अपने डॉक्यूमेंट का पूरा सेट लेना चाहिए। कोई एक्सपर्ट अपॉइंट कर लीजिए, दो पैसा खर्चा हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन जहां पूरा घर दाव पे लगा हो वहां पे दो पैसा खर्चा करने में आगे पीछे मत दिखिए और उनसे लीगल ओपिनियन ले लीजिए। लेकिन मैं खुद बिल्डर हूं और मुझे शौक है कि ये पॉलिसी के ऊपर काम करना, तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे अगर आप कोई लैंड लेने परचेस अगर आप करते हो तो उसका एक सर्च रिपोर्ट होता है, जो आप एडवोकेट को बोल देंगे कि मुझे जमीन खरीदी करनी है सर्च रिपोर्ट दे दो, तो एडवोकेट 1947 से वो जमीन का पूरा सर्च करके दे देता है, उसके अंदर के पहले जमीन किसके नाम पे थी, फिर किसके नाम पे हो गई, ये सारा रिपोर्ट दे देता है। वैसे ही आपका पुनर्विकास का सर्च रिपोर्ट ले लीजिए, कोई एडवोकेट को बोलिए कि हमको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दे दो, आर्किटेक्ट को कहिए क्या हमारा हक का जितना भी स्क्वायर फुट अभी गवर्नमेंट ने 2 दिसंबर 2020 के UDCPR में पास किया हुआ है क्या हमको मिला हुआ है, और अगर मिला हुआ है तो क्या हमारे हक का मिला हुआ है। अगर कम मिला हुआ है तो बिल्डर को आपको पूछना चाहिए कि जब 3 FS है प्लस प्रीमियम FS है प्लस एंसिलरी FS है, ये जब हमको मिलने वाला है तो आपने 2.5 पे क्यों एग्रीमेंट किया, 2.5 पे सीसी क्यों ली, और क्या गारंटी है कि आज आप 2.5 के ऊपर हमारी बिल्डिंग बनाओगे, साथ में 2.5 का जो स्ट्रक्चर है वो आपका बनाओगे और बाद में सीसी अमेंड करके ऊपर का परमिशन ले लोगे, उसके बाद अगर हम लिटिगेशन जाएंगे आपका क्या जाता है भैया, लटक तो हम जाएंगे। तो इसके लिए बिल्डिंग शुरू अभी किसी की हो रही होगी या किसी की हुई होगी तो भाई ये सब होने से पहले हमारा सिर्फ अभी मंगनी हुआ है शादी के पहले, भाई तू अपना पत्रिका वगैरह सब बता, कुंडली मिला, राशि मिला, फिर आगे चल के शादी करते, नहीं तो यही पे हम लोग
अपनी सगाई जो है वो बर्खास्त कर दे। आपको लगता है कि रीडेवलपमेंट की आड़ में कहीं ना कहीं कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो गुमराह कर रहे हैं, जो पूरी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं टीनेंट के साथ, और ये आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है? देखिए, इसके अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट बिल्डर, बिल्डर अपना कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से प्रोफेशनल वे में जाता है और 100 लोगों को कम्युनिकेट करना, 100 लोगों को सिग्नेचर करना वो करता नहीं है। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो किसके तरफ से नियुक्त किया गया है ये आपने देखना चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये एडवाइजरी इसके लिए रहता है। अभी मेरे पास 2-3 सोसाइटियां आई थी तो उनको मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का प्रोसेस बताया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को सोसाइटी का कहना ये था, वो तो बिल्डर पेमेंट करेगा ना, बोला बंधु बिल्डर ही पेमेंट करेगा, टेंडर में वैसा ही आएगा, लेकिन बिल्डर किसको पे करेगा? पीएमसी का जो भी पैसा होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में आएगा पहले। अच्छा, ओके। और पीएमसी जो है अपना बिल सोसाइटी के नाम पे रेस करेगा और फिर पीएमसी को सोसाइटी पेमेंट करेगी। मैं बोला वो आपका एडवाइजर है, आप कहां से पैसे लेके आते, वो उसका लुकआउट नहीं है। yes, और वो डॉक्यूमेंटेड है। तो वो अगर बिल्डर से लेने को अगर पैसा शुरू करे तो वो बिल्डर के हिसाब से ही करेगा। yes. मैं नाम बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है किसने क्या कहा गड़बड़ किया है। तो अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, भैया हर एक नागरिक को अपना हक दे दो, अगर गलती हुई होगी तो गलती सुधार लो, मेरी माँ बहनों का हक का हर एक स्क्वायर फुट दे दो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बरकरार रखो और अच्छी तरीके से सब लोगों को घर दे दो, यही कहूंगा। आपने देखा होगा कि पूरे मुंबई में 20 साल से ज्यादा की ऐसी इमारतें हैं जो 30 साल हो गया, 40-40 साल हो गए हैं, जो इमारतें अभी गिरने लगी हैं, दरारें पड़ गई हैं, तमाम इमारतों को खाली करा दिया गया, धोखा विधायक घोषित कर दिया गया, लेकिन अगर सीसी मिली है तो सिर्फ 5 सोसाइटियों को मिली है, उसमें भी किसी का जो वासी की सोसाइटी है उनके बारे में ऐसी खबर है कि उनको 4-5 FSI मिली है, और जो नेहरुल की इमारतें हैं उनके लिए 2.5 FSI पर एग्रीमेंट हुआ है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है महानगर पालिका को इशू किए जाने चाहिए, उसके हिसाब से ज़्यादा जन जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि धांधली ना होने पाए? देखिए, UDCPR का मैं आपको कहता हूँ कि UDCPR अभी तक लोगों तक पहुँचाया नहीं है, और मैं पूरा का पूरा दोष बिल्डर को भी नहीं दूंगा, क्योंकि बीच में मैनिपुलेटर होते हैं, वो मैनिपुलेटर से बचना चाहिए। कोई भी आदमी फोकट का काम नहीं करता। मेरा कहना यह है कि अगर आप कर रहे हो काम, उनको ठोक बजा के बोल के बोलो ना कि मैं इतना फीस लूंगा और ये आपका काम करूंगा करके। yes. सामने वाला देने को तैयार है, उसके अंदर मैनिपुलेशन करके चलता नहीं। अभी एक बिल्डर में अंडरवर्ल्ड का भी थ्रेड दिया जा रहा था कमिटी को, कमिटी आ गई मेरे पास कि हमको अंडरवर्ल्ड का थ्रेड दिया जा रहा है। मैं बोला कोई अंडरवर्ल्ड फंडरवर्ल्ड का थ्रेड वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉपर्टी का निर्णय ले लो, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया हुआ है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार का फाइनली डॉक्यूमेंट लगता है, जो बिल्डर फाइनल करना है उसके लिए जो भी प्रोसेस होगा वो इन कैमरा होगा, डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी, 20% आपको बैंक गारंटी देनी है, उसके सिवा आप प्रोजेक्ट नहीं चालू कर सकते। आप मेंबरों को पूछिए, आप मेंबरों का कभी भी इंटरव्यू ले लीजिए, क्या बिल्डरों ने 20% के टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का गारंटी दिया है? और कुछ प्रोजेक्ट बड़े हैं जो मुझे ज्ञान है, तो उसके लिए पर्यावरण की परमिशन लगती है, और पर्यावरण की परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसमें अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और आपका केंद्रीय सरकार से भी आपको परमिशन लानी पड़ती है, उसके बाद ही आप काम शुरू कर सकते हो। तो इसके वजह से वाशी के मेरे ख्याल से 2 प्रोजेक्ट अभी चालू होने में दिक्कत है, क्योंकि उनके कमेंसमेंट सर्टिफिकेट में वो कंडीशन है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। और जो छोटे प्लॉट है कि जो 20,000 स्क्वायर मीटर के नीचे है, नीचे, हाँ। तो वहां पे काम यानी टोटल कंस्ट्रक्शन, तो वहां पे काम शुरू हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। फिर वाशी का जिक्र किया, मैं फिर दोबारा वाशी की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। नगर विकास मंत्रालय हो गया, महानगर पालिका हो गई, या सिडको से रिलेटेड चुकी वो बिल्डिंग है, सिडको ने बनाई थी बिल्डिंग है, तमाम शिकायतें इस बात को लेकर हैं कि जो वासी की इमारतों का कमेंसमेंट किया दिया गया है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दिया गया, और जो बिल्डर ने एग्रीमेंट किया है टीनेंट के साथ, ये दोनों में काफ़ी तफावत है, और इसीलिए उसकी सीसी कैंसिल करने तक की नौबत आ गई है। क्या आपको लगता है कि वासी की जो इमारतें हैं वो एक तरह के नोइंबई की जर्जर इमारतों के पुनर्विकास का रोल मॉडल बन सकती हैं, लेकिन अगर वहीं पर धांधली शुरू हो गई तो फिर आने वाले समय में वो रोल मॉडल कैसे बनेंगे? धांधली हुई है, करेक्शन का चांस मिला है करके ही उसको रोल मॉडल बनाना है।
जब गलत हो रहा है तब उसको सही करेंगे, तब तो रोल मॉडल बनेगा ना। यस, हाँ, हाँ। कि धांधली कितना क्या हो सकती है, इसका ये मॉडल है, करेक्शन इस तरीके से किया करके ये बराबर सही है इसका। मैं आयुक्त साहब को, आयुक्त महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करके कोई भी सीसी कैंसिल ना करे, कमिटी को बुलाए और उनको सबसे पहले पूछिए कि क्या ये गाइडलाइन आपके अपने फॉलो किया है कि नहीं किया है। ये कमिटी का स्टेटमेंट लेना चाहिए, कमिटी को बोलना चाहिए कि आपने जो प्रोसीडिंग किया हुआ है उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उसके लिए एक्सपर्ट ऑफिसर आप कमिश्नर साहब ने इंक्वायरी के लिए बैठाना चाहिए टू फिक्स द ब्लेम कि एग्जैक्टली कौन से टेबल पे ये सारी गड़बड़ी या कौन से सिस्टम में वो गड़बड़ी हो गई है, वो फिक्स करने के लिए। देखिए, जिनके बिल्डिंग पुनर्विकास में जा रही है उनका क्या कसूर है, मुझे बात बताइए। आज इतनी जर्जर इमारतों में मैं वोट मांगने के लिए जाता था लोगों के घर पे, मैंने उनको किचन देखा, वेंटिलेशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब नहीं। आज मुझे बात बताइए, आपने सीसी अगर कैंसिल कर दिया क्या उनका मानसिकता होगा? ये कभी भी लोगों के बीच में अच्छा गवर्नमेंट होने की वजह से होना नहीं चाहिए। इसके लिए मेरा अपना सुझाव यह है, बिना सीसी कैंसिल कराए क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या एरिया हो सकता है, करेक्शन क्या हो सकता है, एक्चुअली क्या हुआ है, कहां फंसाए गए हैं, इसके ऊपर सोसाइटी वाइज कमिटी को बुलाया जाए और कमिटी के पास से जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए वो सारे उनसे सर्टिफाई करके ले ले, और जो अधिकारियों ने ये सीसी साइन किया है उनके खर्चे से सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स निकाल के हर एक सोसाइटी को सेट दिया जाए, और जितने मेंबर्स है जो उन्होंने लिस्ट दे दिया है हर एक मेंबर के घर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से लेटर जाना चाहिए कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट हमने आपके कमिटी को दे दिए हैं। इस तरीके से आपने करेक्शन का शुरुआत करना चाहिए ताकि हर एक सदस्य को ये सीना ठोक के मालूम होना चाहिए कि मेरी कॉर्पोरेशन मेरे साथ है, चाहे कोई भी साथ में ना हो, और इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं, और ये गुड गवर्नेंस के लिए काम होना चाहिए। और लोगों ने घर लिए हुए 25-25 साल से दिन निकाले हुए, कई पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है, कितने लोग सपना देख के गुजर चुके हैं। आपने बहुत सारी जानकारी दी और मैं समझता हूं कि ये हमारे दर्शकों का काम आए। कोई अगर आखिरी आप मैसेज देना चाहते, कुछ संदेश देना? मेरा सभी जो लोग पुनर्विकास करना चाहते हैं वो हर एक सदस्य को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पुनर्विकास का मीटिंग लगाएंगे कमिटी, तब आप कमिटी बुलाएंगे उस दिन, बहानेबाजी मत कीजिए, कमिटी को सपोर्ट कीजिए और कमिटी के कॉल पे हर एक पुनर्विकास के बारे में की मीटिंग खुद अटेंड कीजिए। ये नहीं कि बेटे को बोल दिया जा देख उधर क्या हो रहा है बता मेरे को, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए। दूसरा, कमिटी का तरफ है ना, डाउट से मत देखिए, गलती हर एक से हो जाती है, कोई पॉइंट छूट जाते हैं, उनको पूछिए, हक से पूछिए, आपका वो अधिकार है, आपके वो ट्रस्टी है और वो भी आपको जवाब देंगे, तो एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना के रखिए। और सबसे मेन बात, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं समझता है तो मेरे जैसे कई ये विषय के जानते वाले लोग आपके सोसाइटी में आके आपको बता सकते हैं। और मैं खुद जो सोसाइटी में गया, मुझे चाय पिलाया गया, पानी पिलाया गया, ना मैंने कोई फीस ली, ना मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, ना मैं आर्किटेक्ट हूँ, ना मैं रीडेवलपमेंट का काम करता हूँ। तो मेरे जैसे अच्छे आदमी लोग भी कई लोग हैं कि जो आपको गाइड कर सकते हैं, और उनसे गाइडेंस ले लीजिए। और ट्रांसपेरेंसी, ये सारे चीज का कोर है, हर एक डॉक्यूमेंट का ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है। मुझे रिक्वेस्ट है सबको, आप पढ़िए डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सर लिखा हुआ है जो भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जाएगा उन्होंने अपनी वेबसाइट ओपन करनी चाहिए। अच्छा। और वो वेबसाइट के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डिस्प्ले होना चाहिए। मेरा एक ही कहना है, कितने सीसी दी, कितनी वेबसाइट ओपन हुई, क्या वो वेबसाइट ओपन हुई कि नहीं होगी, इसका कंफर्मेशन कॉर्पोरेशन ने लिया कि नहीं लिया। अगर ये सारी चीजें अगर निगलेक्ट की गई है तो वो कृपा करके निगलेक्ट मत कीजिए, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत सारी जानकारी दी रीडेवलपमेंट से जुड़ी तमाम चुनौतियों को लेकर, उनकी दिक्कतों को लेकर, और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर, बिल्डरों की भूमिका को लेकर, और महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की भूमिका को लेकर। जैसा कि आपने सुना कि विजय घाटे साहब ने आपको जागरूक करने की कोशिश की कि जब भी आप एग्रीमेंट करें किसी बिल्डर के साथ या सोसाइटी जब फॉर्मेशन करें रीडेवलपमेंट के लिए, तो उसमें किस किस तरह की सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी होगी तभी जाकर आपको जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके जरिए आपको आने वाले समय में जो यूडीसीपीआर है उसके हिसाब से आपको
परफेक्ट जितना आपका हक है उतने साइज का आपको आपको घर मिलेगा। अगर इस पे आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आने वाले भविष्य में जब आपकी बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी, आपके घर तो बन जाएंगे, लेकिन जब आपको पजेशन देने का समय आएगा उस वक्त आप मुसीबत में होंगे, मुश्किल में होंगे। तो ये जागरूक रहना बेहद जरूरी, हमारा मकसद यही था कि आपको जागरूकता हासिल हो, आप इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो बातचीत है, आज की जो जानकारी आपके बेहद काम आएगी। अगली बार हम फिर किसी आपसे जुड़े हुए नए मुद्दे पर फिर से चर्चा करें, तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 इंडिया। नमस्कार।